डिप्टी कमिश्नर ने बहावलपुर ने एतराफ किया है कि जिला भर में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है और ये बात उन्होंने रोही से बात करते हुए कही। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये पिछले कोई एक हफ्ते से एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही थी सदर तहसील खानका शरीफ की हवाले से, उस पर फौरन ही मुतहरक किया गया पंजाब फूड अथॉरिटी को, असिस्टेंट कमिश्नर सदर को, और उन्होंने इस चीज़ को किया और वो जो खबर थी उसमें काफ़ी हद तक सदाकत थी। उसको इंशाल्लाह ताला FIR भी हमने इंश्योर करवाई है और आगे मजीद फूड अथॉरिटी के तवसुत से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के इंस्टेंसेस, जो बड़ी बदकिस्मती है, हमारा एक मुस्लिम मुल्क है और उसमें हराम चीज़ों और मुर्दा चीज़ों को खिलाना, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और फ्यूचर में भी हम इस तरह के वाकयात ना हों इनके लिए इकदाम भी करेंगे। ये पिछले कोई एक हफ्ते से एक इलाका खानका शरीफ में मुर्दा मुर्गियों की फरोख्त पर आवाम का एहतजाज, मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खिलाने पर इंतजामिया को नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। मजीद जाने के महमूद सहीर से। जी महमूद सहीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बहावलपुर के नवाई इलाका खानका शरीफ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर मुर्दा मुर्गियाँ खिलाने का इंकशाफ हुआ है शहरियों को। इस हवाले से शहरी सरापा एहतजाज है, शिकवा कहना है, उनका कहना है रोही को कि ये जुल्म है और इस जुल्म के हवाले से जिले इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। मजीद इनका क्या कहना है सर, ये जो आपके इलाके में मुर्दा मुर्गियों की एक वीडियो वायरल हुई है, क्या कहेंगे सर? ये मैं खनगा के नवाब में रहता हूँ तो ये हमारा इलाका तकरीबन है, तो मुर्दा मुर्गियों का इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई है कि लोग जो है वो खिलाते हैं, इधर बेचते हैं। इस पर जिला इंतजामिया जो है, ये हमारी जो एग्जेक्टिव है, उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि ये लोग मुर्दा मुर्गियाँ खाते रहें। जो हमारी एग्जेक्टिव है, क्या वो सोई हुई है? वो कहते हैं कि ये मुर्दा नहीं थी, लागर थी, मरने से पहले जैसे जानवर को ज़िबा कर लिया जाता है इस तरह ज़िबा कर लिया था, तो इस बारे में क्या कहें सर? जो चीज़ नियर टू डेथ हो ना, वो मकसद है, उसमें कोई ऐसी चीज है ना जिससे वो लागर हो गई है, वो शहरियों का ये हक है ना कि भाई उनके सामने जिबा किया। नहीं सर, हाँ जी, शहरियों का हक है कि उनको मकसद है कि तंदुरुस्त मुर्गियां दी जाए। जो मुर्गी मरने के करीब है, इट्स मीन के कोई उसमें कोई नुक्स है, जो बंदा वो गोश्त खाएगा वो भी मुर्द ऐसे ही अपना दौर होता है। देसी मुर्गियां होंगी बेहतरीन, देसी घ्यो खाने खाने से हूँ ये मामला आ गया कि एक तो वलैती मुर्गी, वल वलैती भी खालिश कहीं नहीं, वो भी मुर्दा। जी हाँ बिल्कुल, वो समझो के क्या वाल हम बंदा कहीं को आखे, बिल्कुल मुर्दा तो मुर्दा हम जी आप पेरों से नहीं खड़ सकती। याद है कि मुर्दा मुर्गियों के नाल कई बे लोगों ने जमीर भी मुर्दा थी। जी हाँ जी हाँ जी, इंतजामिया विदा गंभीर मुर्दा है, इंतजामिया हो आपे सुधर वजन, इंतजामिया सही किरदार अदा नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। क्या करना चाहिए इंतजामिया? आए थे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने दुकान सील कर दी है, क्या करें मजीद? नेक नीति नाल बनावेन, मुसलमान हैं, मुसलमानों को हलाल खवावेन, ये तो नहीं होना कोई हराम खवावेन, को अच्छी गाल नहीं है। अच्छी गाल कहीं नहीं, यानी कि सराइकी में बता रहे हैं अच्छी बात नहीं है, उर्दू में बनती है। अगर आपने हमें कुछ खिलाना पिलाना है तो हमें कम अज कम हलाल तो खिलाना। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।